बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आबिद शहजाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत की रोशनी में वोटर वेरिफिकेशन का जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरे फेज़ का काम शुरू होने जा रहा है, तो उस सिलसिले में ये एक तफसीली वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपको मुकम्मल रहनुमाई भी मिलेगी। दूसरे फेज़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये डिमांड है कि जितने भी ब्लॉक्स हैं या जो भी एरिया शुमार करिंदा और सुपरवाइज़र को असाइन हुआ था, उन ब्लॉक्स के आपने पोलिंग स्टेशन बनाने हैं, और पोलिंग स्टेशन बनाने के लिए सूटेबल जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वो आपने देखनी हैं। इसके साथ साथ आपको 2018 जो जनरल इलेक्शन हुए थे उनकी लिस्ट भी आपके जो सुपरवाइज़र साहिबान हैं उनको मुहैया कर दी गई हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, जो और जिन ब्लॉक कोड में आप वर्क कर रहे हैं उनका पोलिंग स्टेशन किस किस बिल्डिंग में बना था, तो आपने उससे भी रहनुमाई ले लेनी है। अगर आप ये समझते हैं कि ये वही बिल्डिंग जो 2018 में पोलिंग स्टेशन बनी थी अगर वो सूटेबल है, तो आपने उन्हीं बिल्डिंग की तस्वीरें बना लेनी हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि वो बिल्डिंग बहुत दूर है, सूटेबल नहीं है, तो और ये बिल्डिंग जो है फलां जो एरिया है उसको नज़दीक पड़ रही है, तो आपने उस बिल्डिंग की तस्वीर बना लेनी है और रिप्लेसमेंट की रीज़न भी देनी है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जितने भी आपके अंडर काम करने वाले इनेमोरेटर्स यानी शुमार करिंदा हैं वो अपने मोबाइल में ये वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जो गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, जिसका नाम है सर्वे कैम जीपीएस कैमरा नोट्स टाइम स्टैम्प लोकेशन। जैसे ही आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद आपने ये करना है कि उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ये एप्लीकेशन है सर्वे कैम की, इसका आइकन बना हुआ है, ये आपने ओपन कर लेनी है। यहाँ देखें, पहले सबसे पहले वेलकम स्क्रीन आएगी, आपने इसे एक्सेप्ट करना है, अलो करना है, यानी आप इसको इजाज़त देंगे तो ये चलेगी। तो ये बाकायदा तौर पर अलो हो गया। तो उसके सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगी, ये आपने इनको देखते जाना है। अब इनको क्लिक करते जाएँ, क्योंकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वो एप्लीकेशन के बारे में पहले बताएगा। अब आपके पास ये एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरह से ओपन हो चुकी है। अब सबसे टॉप पे देखें, लिखा आ रहा है ऐड प्रोजेक्ट नेम, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ कंपनी इंस्टीट्यूशन ऑप्शनल और प्रोजेक्ट ऑप्शनल, ये दो चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। तो आपने ये करना है कि कंपनी का जो नेम है वो आपने ECP यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये आपने रखना है। उसके बाद प्रोजेक्ट ऑप्शनल, इसमें आपने उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लेना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात, या आप सिंपल गुजरात भी लिख सकते हैं। यानी अगर आप डिस्ट्रिक्ट गुजरात नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल गुजरात भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखें, मेरा जो कैमरा है ना वो सामने आपको नज़र आ रहा है। देखें ECP यानी मैं आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम कर रहा हूं, और गुजरात जो है उस डिस्ट्रिक्ट में मैं काम कर रहा हूं। और नीचे, क्योंकि अभी वो नीचे मेरा जो घर का एड्रेस है ना, ये गौरी टाउन आ रहा है, क्योंकि अभी मैं इस्लामाबाद में मेरी रिहाइश है। तो लोकेशन आपकी ऑन होगी तो ये नीचे सारा कुछ आएगा। ये देखें, आपने इस चीज़ की ये देख लेनी है कि ये देखें लोकेशन आपकी ऑन होनी चाहिए। जब आपकी लोकेशन ऑन होगी तो फिर ये सारी चीज़ें वो आपके पास आएंगी। आप देखें, ये मुकम्मल तौर से कैमरा जो है वो वर्क कर रहा है। ECP डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और उसके अलावा ये डेट भी आ रही है 30/12/2021, और 12 का टाइम है। ये नीचे कुछ डिजिट आपको नज़र आ रहे हैं, ये लैटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड है, ठीक है। और फिर जो एड्रेस नज़र आ रहा है कि इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं, यानी आप घर में फर्जी तौर पर तो नहीं बना रहे। अब आप नीचे यहाँ ऑप्शन देखेंगे कि चार तरह के बटन नीचे आ रहे हैं। एक ये टार्च वाला बटन है, उसके बाद ये येलो कलर का बटन है, दूसरा भी येलो कलर का बटन है लेकिन इसमें ABC लिखा हुआ है, और तीसरा जो भी आप तस्वीर बनाएंगे वो गैलरी में यहाँ सेव होती जाएगी। तो हमने ये करना ये है कि जो भी स्कूल है,
जहां आपने पोलिंग स्टेशन बनाना है, आपने उसके गेट के सामने खड़े हो जाना है। जैसे ही आप उस स्कूल के गेट के सामने खड़े होंगे, साथ लोकेशन आपकी ऑन होगी, तो ये इस तरह की तस्वीर आएगी, नीचे एड्रेस भी आ जाएगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये भी आ जाएंगे, तारीख भी आ जाएगी। तो आपने ABC वाला बटन दबाना है, दूसरा बटन नहीं दबाना, क्योंकि हमें जो है उस स्कूल का नाम भी लिखना है। तो वो ABC वाले बटन दबाएंगे तो स्कूल का नाम लिखा आएगा। तो देखें, अब मैं बनाता हूँ तस्वीर। ये जैसे ही ABC का बटन बनाया तो ये तस्वीर सेव हो, मतलब बन गई। अब वो कहता है इसका नाम दें, मैं इसका नाम देता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल रड़ियाला, यानी समझे कि मैं रड़ियाला में मौजूद हूँ। सेव पे क्लिक करेंगे तो वो तस्वीर आपके पास सेव होके आ जाएगी। देखें, ये राइट कॉर्नर के नीचे वो शो हो रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये तस्वीर आ गई। ECP लिखा हुआ है, नीचे डिस्ट्रिक्ट गुजरात लिखा हुआ है, उसके बाद नीचे गवर्नमेंट हाई स्कूल रड़ियाला लिखा हुआ है, और 30 तारीख को मैंने तस्वीर बनाई है 12:05 पर। नीचे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहे हैं, और नीचे एड्रेस आ रहा है, क्योंकि अभी मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ तो मेरे घर का एड्रेस आ रहा है। अगर आप वाकई आप रड़ियाला स्कूल के बाहर मौजूद होंगे तो यहाँ मेन रोड रड़ियाला लिखा आएगा, या जहाँ भी आप मौजूद होंगे वहाँ का ये एड्रेस आएगा। अगर आप किसी और जगह बैठ कर ये तस्वीर बनाएंगे तो वो काबिले कबूल नहीं होगी। आपने उसी स्कूल के बाहर खड़े होकर तस्वीर बनानी है, तब वो काबिले कबूल होगी। तो जब ये तस्वीरें बन जाएं तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म ए है वो फिल कर लेना है। और अगर आप समझ दें कि आपने बिल्डिंग को रिप्लेस किया, तो आपने फॉर्म ए के साथ साथ फॉर्म बी भी फिल करना है, और फॉर्म बी में आपने रिप्लेसमेंट की वजह भी बयान करनी है। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप अपने सुपरवाइज़र हजरात के साथ रابطہ कर लें। और ये एक जो तस्वीर है ना, यही तस्वीर शुमार करिंदा जो है ना वो अपने सुपरवाइज़र को अगर भेज देगा तो ये सारी की सारी डिटेल सुपरवाइज़र खुद लिख लेंगे वो एक्सेल की फाइल के अंदर। अगर किसी शुमार करिंदा को लिखना आता है, कंप्यूटर आता है, तो वो एक्सेल की फाइल में लिख के सुपरवाइज़र को भेज दे, नहीं तो सुपरवाइज़र अपने तमाम शुमार करिंदा से वो तस्वीरें लेकर उनकी डिटेल फॉर्म ए या फॉर्म बी में लिख कर अपने ARO को भेज देगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।